भोपाल में एमपी बीजेपी ने सदस्यता अभियान में इतिहास रचा है। एमपी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सदस्य बनाकर इतिहास रचा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 7,50,000 सदस्यता फॉर्म भरवाए। 10,00,000 लोग मिस कॉल से बीजेपी के सदस्य बने। एमपी में 72,00,000 से ज्यादा नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। देश भर में एक दिन में 10,00,000 से ज्यादा लोग बीजेपी के सदस्य बने। मध्य प्रदेश में बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, वो कहां सुरक्षित है, ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिन में स्कूली बच्चों के यौन शोषण का ये तीसरा मामला सामने आया। टीकमगढ़ के केंद्रीय मंत्री सांसद प्रतिनिधि पर भी पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ। हालांकि ये मामला किसी स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं था। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। चार दिनों पहले भोपाल के नामी स्कूल से 3 साल की मासूम डरी सहमी घर आई। माँ ने निजी अंगों पर खरोंच के निशान देखे। पूछा तो उसने बताया स्कूल में अंकल ने बैट टच किया। यह अंकल स्कूल का आईटी टीचर था। आरोपी बच्ची जिस विद्यालय में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसी का एक टीचर को इसमें पाया गया है और बाद में मेडिकल परीक्षण के बाद इस पूरे मामले में आरोपी को पहचान सुनिश्चित करते हुए इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी एक समिति गठित की गई है जिसमें मैं भी अध्यक्ष हूँ, 4 लोग और हैं। उसके दौरान अभी सबसे पहले तो स्कूल को कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। बाकी जो प्रोसीजर में है कि इसकी मान्यता रद्द करनी, उसके लिए भी बल्लभ भवन बुलाया जा रहा है। मैं वही खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए स्पेशल कोर्ट में मामले को ले जाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भोपाल में आज 3 साल की बच्ची का उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला ध्यान में आया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है जो वहीं स्कूल में था। ऐसी दरंगी घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूं और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।